like you. Be strong to hold the powers of the. Hey guys, welcome back to the channel. तो आज हम लोग जा रहे हैं लखनऊ. एक चीज लेनी है जो कानपुर में नहीं मिलती है, तो इसलिए लखनऊ जाना पड़ रहा है. लखनऊ में है डीकैथलॉन, वहाँ पे, क्योंकि कानपुर में नहीं है, लखनऊ में ही है. वहाँ पे स्पोर्ट्स की बहुत सारी चीजें मिलती है, तो वो हम आपको अपने अगले ब्लॉग में बताएंगे. अभी बज रहा है लगभग 2. सोच रहा था कि जाऊं कि ना जाऊं, क्योंकि धूप थोड़ी थी. फिर मैंने कहा चलो चलते हैं, क्योंकि इधर 3-4 दिन की फिर छुट्टी हो जाएगी, तो फिर अपना काम नहीं हो पाएगा. नहा धोकर तो एकदम रेडी हूँ. अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट आते रहते हैं. तो चलिए चलते हैं. तो सबसे पहले पेट्रोल डला रहे हैं, क्योंकि लखनऊ जाने में इतने में नहीं हो पाएगा. मैं 15 दिन से घर से निकले ही हूँ, 13 से 15 दिन हो गए. व्यवस्था के पास एक है, वहीं पे कराएंगे. अभी वजह दोपहर का 2:30. जाओ भाई जाओ, निकल जाओ, बहुत तेज तुम्हें लगी है. जो ये क्लाउड्स है, इसको देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि बारिश होगी, लेकिन आपको एक बात बता दूं, इतनी भयंकर गर्मी लग रही है ना. नवस्था से लेके रामा देवी तक तो भयंकर धूप थी. वैसे ही मैंने बोला नहीं कि बदली आ गई. काफी दिनों बाद आज मैं ये राइड कर रहा हूँ. लास्ट राइड मैंने करी थी, पूरे 2 हफ्ते से घर में बैठा हूँ, बोर हो गया हूँ. एक चीज है जो कानपुर में नहीं मिलती, वो लखनऊ में ही मिलती है, तो लखनऊ से ही ले लेता हूँ. अच्छा, ये साफ सफाई हो रही है, ये सब काम भी जरूरी है. ये जो सीन है ना, क्या बताऊं भाई साहब, एक नंबर है. अभी उन्नाव के आसपास पहुंच गए हैं. अभी बजा है लगभग 2:45 या 2:50 के आसपास बजा होगा. और अब आपसे जो नेक्स्ट मुलाकात होगी वो होगी नवाबगंज टोल प्लाजा के बाद. अभी देखो, जैसे कि आप ये सड़क देख रहे हो, इधर अभी लग रहा है ऐसे बारिश भी हुई है, तो हो सकता है आगे बारिश भी मिल जाए. कवर कर लिया, बस केवल हेलमेट पहनना बाकी. और नवाबगंज के पास पहुंचने वाले हैं और बारिश होना शुरू हो गई, जैसे कि आप देख रहे हो. मतलब भीग गया हूँ, तो जैसे पानी बंद होता है आगे चलते हैं. और कपड़ा तो है नहीं, तो ऐसे ही पहुंचना पड़ेगा. बारिश है वो रुकी नहीं है, बहुत हल्की हो गई है, इतनी हो गई है कि हम लोग भीगेंगे नहीं. तो चलो, आधे रास्ते तक पहुंच गए हैं लखनऊ के, लगभग 50 किलोमीटर के आसपास, और बाकी का रास्ता भी आराम से कंप्लीट हो जाएगा. लॉन्ग राइड नहीं बोल सकते, 100 किलोमीटर की राइड है. तो जो ये राइड है, इसमें भी हमको बारिश के दर्शन हो गए. और आप लोग भी देखिए, अभी आप लोग कानपुर से देख रहे होंगे, सड़ी गर्मी पड़ रही है कानपुर में. और बारिश के बाद जो पेड़ पौधे होते हैं, उसमें एक अलग सी चमक आ जाती है, जान आ जाती है. कार का तो और अलग ही है, छींटे उड़ाते हुए चली गई. और हम लोगों ने एक राइड और करी थी, 300 किलोमीटर की मानसून राइड. मैं जाते समय हमको पानी मिला ही था हर जगह. अगर वो वाला वीडियो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, देख लो भाई, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा. उस दिन वाली थोड़ी एक्सट्रीम हो गई थी, पानी एकदम पूरा भीग गए थे. लेकिन आज वाली में केवल सर भीगी है, वो ज़्यादा नहीं भीगी है, अभी थोड़ी देर में सूख जाएगी. बाकी अब मैं गोप्रो बंद करने जा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा तेज बारिश में खराब ना हो जाए. आपके सामने है लखनऊ. राइड
रास्ते का मैंने आपको कुछ ज्यादा कुछ इसलिए नहीं दिखाया कि कुछ खास है नहीं सड़क में, लखनऊ में आए तो यहाँ का देखिएगा। कानपुर में भी ये चीज बहुत जल्दी 1 साल या 2 साल में हम लोग को भी मिल जाएगी। अरे भाई मेट्रो की बात कर रहा हूँ, और कानपुर में भी बहुत जल्दी मैक्सिमम 2 और 2.5 ईयर्स, इससे ज्यादा नहीं समय लगेगा, भोकाल के साथ मेट्रो का आनंद उठाएंगे। बढ़िया बन गया, 4 साल बाद मैं आ रहा हूँ इधर, पहले मैं आया था अपनी बाइक से, अब मैं आ रहा हूँ स्कूटी से। अभी आ गए डी कैथलॉन तो गोमती नगर में लखनऊ में वहाँ पे, और भाई ये देख रहे हो लग रहा किसी राजा महाराजा का महल है। बालों का तो इतना भयंकर बुरा हाल हो गया, क्या बताएं आपको आज। और जो चीज़ हमको लेनी थी वो हमने ले ली है, नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताऊंगा। और अभी मैं लगभग लखनऊ से 25 किलोमीटर क्रॉस करके इधर आ गया हूँ, आपको अपडेट करते हैं, क्योंकि हमारी आपकी बात उन्नाव की बात अभी बीच में हुई नहीं। हो सकेगा तो नौबस्ता या तो रामदेवी पास आपसे एक बात होगी। पेट्रोल डलवाना है यार, पेट्रोल एकदम ताल पे आ गई है, सुई खाली हो गया है। वॉशरूम के लिए रुका था, जब मैंने टाइम देखा तो टाइम बता रहा है 7:15, तो 1 घंटा हमको कम से कम और लगेगा घर पहुंचने में, 1 घंटा 1.25 घंटा कम से कम, 1 घंटा तो लगेगा, 1 घंटा। नाइट है, ज्यादा भगाएंगे नहीं गाड़ी, आफ्टरनून के बाद इसलिए निकला वैसे 2:15। एक मन कह रहा था कि चलो, एक मन कह रहा था ना चलो, इसी चक्कर में इतना लेट हो गया। पेट्रोल 3 लीटर आ गया, चल बाय बाय नवाबगंज टोल प्लाजा, मिलते हैं बहुत जल्दी। चौराहा तो मतलब मैं अपने घर के पास पहुंच गया हूं, और इस समय बजा है 8:35। तो अब आपसे मिलते हैं घर में जाके चेंज करके फ्रेश होके, अगर बात हो सकेगी तो बात करूंगा, वरना फिर कल सुबह आपसे मॉर्निंग में बात होगी। राइड कंप्लीट करने के बाद जब मैं अपने घर आ गया था तब टाइम हुआ था 8:45, और फिर उसके बाद मैंने कपड़े चेंज किए, नहाया धोया, फ्रेश हुआ, खा के सो गया, इसीलिए आपसे बात नहीं हुई। और अब आज मैं आपसे बात हो रही है, दूसरा दिन है, बहुत बढ़िया राइड हुई, बीच में बारिश भी हमको मिली और मजा आ गया था। और कानपुर में तो फिर वही दूसरे दिन, आज के दिन बहुत सारी गर्मी पड़ रही है। दूसरी बात ये कि जो सामान हमने लिया था वो अच्छे से हमारे घर आ गया, और उसको मैंने अनबॉक्स भी कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको अनबॉक्सिंग भी दिखाऊंगा, और वो क्या चीज है वो भी रिवील करूंगा। और अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपका कोई सुझाव या कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके। आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, मैं आपसे मिलता हूँ बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में, और हमेशा हेलमेट पहन के गाड़ी चलाएं।